अगर आप पोस्टर कलर करना पसंद करते हैं और आपको दिक्कत आ रही है पोस्टर कलर करने में, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो पोस्टर कलर से रिलेटेड हमको कई बार रोक देती हैं, कई बार हमको हमारी स्किल्स को ग्रो करने के लिए रोक देती हैं, हम जब तक समझेंगे नहीं किसी मीडियम को अच्छे से, तब तक हम अच्छे से उस मीडियम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ पोस्टर कलर से रिलेटेड आपके साथ मैं यहाँ पर टिप्स शेयर करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप पोस्टर कलर करने की शुरुआत करने वाले हैं अपने जो आपकी आर्ट जर्नी है उसके अंदर। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पोस्टर कलर्स की और ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बिगनर्स जिनको पोस्टर कलर करने के लिए गाइडेंस चाहिए, ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। ठीक है, पोस्टर कलर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टर कलर जो है वो बहुत ही ओपेक मीडियम होता है, जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, जिसमें हम थिक लेयर्स के साथ वर्क कर सकते हैं, तो वो होता है पोस्टर कलर। पोस्टर कलर का इफ़ेक्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे कि ऑयल पेंट्स का इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि एक्रेलिक पेंट्स का इफ़ेक्ट आता है। बस इसके अंदर जो फिनिशिंग होती है वो मैट फिनिशिंग होती है। इसके साथ साथ पोस्टर कलर को हम यूज़ कर सकते हैं शीट्स के ऊपर, और पोस्टर कलर को हम यूज़ कर सकते हैं कैनवस के ऊपर। तो अगर आपने मेरा पोस्टर कलर मटेरियल के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आप बिगनर हैं तो डेफ़िनेटली जाकर चेक करिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो बहुत थोड़ा सा मटेरियल लेकर हम कहीं भी बैठ सकते हैं और हम हमारी पोस्टर कलर पेंटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स जो हैं वो बॉटल्स में आते हैं और हम इनको पैलेट में निकाल कर यूज़ करते हैं। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप होता है कि जो भी हमको पेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमको पेंटिंग बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करें, जिन पेंट्स की हमको ज़रूरत है वो पेंट्स हम निकाल के हमारे पैलेट में साइड में रख लें। हम पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, हम नॉर्मल सिंपल प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए। तो इस तरह से पेंट्स को हम निकाल के जब भी पैलेट के अंदर साइड में रख लेंगे तो हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी हमको ये वाला पेंट यूज़ करने हैं हमारी पेंटिंग के लिए। ठीक है, पेंट को खुला नहीं छोड़ना है ज़्यादा। अगर आप काम करके अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद आप पेंट को बंद करने का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी ब्रश को पेंट के अंदर डालें तो ब्रश को इस तरह से वेट करें वाटर में डिप करके, और उसके बाद उसको ब्रश को क्लीन करें, हल्का सा पोंछ लें क्लॉथ के ऊपर। उसके बाद पैलेट के अंदर अपने पेंट को निकाल लें जितनी रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट बॉटल से भी पेंट यूज़ किया जा सकता है अगर आपका सरफेस बड़ा है तो। तो इस तरह से हम पेंट को पैलेट के अंदर निकाल लेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, थिकनेस, कि हम कितनी तरीके से एक ही पेंट में काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी, यहाँ लगा रही हूँ मैं पेंट की, देखिए एक बहुत ही क्रीमी होते हैं ये पेंट्स, तो इसकी वजह से लेयर्स में बहुत ही एकदम थिक लेयर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत ही कम वाटर यूज़ करा है और आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा थिक लेयर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक ही कलर से डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि किस तरह से हम इसमें वाटर ऐड करके इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हल्का सा जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमको इसकी इस तरह से लेयर क्रिएट हो जाएगी जब हम वॉश लगाएंगे तो। तो यहाँ मैं आपको सिंपल वॉशेस अप्लाई करके बता रही हूँ, फ्लैट पेंट से, फ्लैट ब्रश से सॉरी। और यहाँ पर हमको बिल्कुल फैट फ्लैट एकदम जो है मिल रहा है यहाँ पर, और आपको पता चल रहा होगा कि कंसिस्टेंसी में कितना डिफरेंस है जैसे जैसे मैं इसके अंदर वाटर ऐड करती जा रही हूँ। अब हम थोड़ा सा और वाटर की लेवल बढ़ा लेते हैं और एक बार और समझ लेते हैं कि तीनों में देखिए क्या डिफरेंस आपको शो हो रहा है। तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहला वाला जो था वो बहुत ज़्यादा थिक था, सेकंड नंबर थोड़ा कम थिक था, और थर्ड नंबर जो आप देख पा रहे हैं वो है बिल्कुल ही पतला। अच्छा, अब देखिए मेरे
ब्रश के अंदर केवल पेंट है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वाटर में डिप कर रही हूँ, अभी मैंने पेंट नहीं लिया है और मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं ट्रांसपेरेंट लुक। ये ट्रांसपेरेंट लुक ज़्यादातर वाटर कलर्स में हमको देखने को मिलता है और ये हम इजीली एक्वायर कर सकते हैं, इजीली पा सकते हैं पोस्ट कलर से भी, अगर हम वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। अगर हम हमारे ब्रश को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं शीट के ऊपर, तो जो हमारा पेपर है, जो हमारी शीट है, उसके फाइबर को हम ब्रेक कर देते हैं। ऐसा करने से हमको हमारे नेक्स्ट लेयर लगाने के लिए जो हमारे चांसेस होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी ब्रश को आप अप्लाई करें शीट के ऊपर, तो आप जो ब्रश की जो प्रेशर है, ब्रश का जो रगड़ने का तरीका है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप ब्रश को सॉफ्टली यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि फाइबर मैंने ब्रेक कर दिए हैं, देखिए आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे देख के। और दूसरे वाले में देखिए एकदम आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर कुछ डैमेज नहीं हुआ है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें जब हम पोस्टर कलर करते हैं तो, क्योंकि पोस्टर कलर जो किया जाता है नॉर्मल शीट पे आराम से किया जा सकता है। नॉर्मल शीट का मतलब आपकी शीट थिक होनी चाहिए, और आपकी शीट जैसे आप कार्ट्रिज शीट ले सकते हैं, जैसे हम जो चार्ट पेपर वाला थिकनेस होता है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं पोस्टर कलर्स के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम वाटर की कंसिस्टेंसी बढ़ाकर हमारे पेंट्स को इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमको लेयर लगानी होती है किसी भी डार्क कलर के ऊपर, लाइट कलर की लेयर लगानी होती है, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको वाइट की लेयर लगा के दिखा रही हूँ, जो मैंने अभी ब्लू वॉश लगाया था उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आपको वाइट की लेयर लगा के दिखाई, देखिए अब आप देखिए कि बहुत ही आसानी से लेयर लग गई है। रीज़न क्या है आसानी से लेयर लगने का, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। रीज़न है कि जो हमारा पहला लेयर था वो ड्राई हो गया है, तो जब भी हमारा फर्स्ट लेयर ड्राई होगा उसके बाद ही आपको ऊपर से सेकंड लेयर अप्लाई करना है। अगर इन केस आप गीले के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि हम जब हम गीले पे लेयर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या आउटकम मिलता है। तो दोनों ही तरीके जब आप समझ लेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमको किस तरह से पेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पेंट गीला है ये वाला, और अब मैं इसके ऊपर आपको वाइट का ही वो लेयर लगा के दिखाऊंगी। देखिए अब आप देखिए जैसे ही मैंने वाइट का लेयर यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरा वाइट स्प्रेड हो गया, क्योंकि नीचे वाला जो लेयर था वो बहुत ज़्यादा गीला था। और दूसरे में फर्स्ट वाले में देख पा रहे हैं आप कि कितना ही एकदम एक्यूरेट आया है। तो अब आप समझिए कि आपको दोनों में से कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए हमारी अपनी पेंटिंग में, तो उसके हिसाब से आप टेक्निक को यूज़ करेंगे। जब भी हमको ये समझ में आ जाता है कि हमको कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हम टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमारी पेंटिंग और ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। यहाँ पे समझ लेते हैं वेट ऑन वेट कैसे यूज़ कर सकते हैं पोस्टर कलर के अंदर। सरफेस को मैंने पहले गीला कर लिया वाटर से, ब्रश में वाटर लेके, उसके बाद मैंने यहाँ पर दो शेड्स अप्लाई करे। दोनों ही शेड्स को मैंने गीले सरफेस पे अप्लाई किया और उनको अलाउ किया मैंने कि वो अपने आप मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अपने आप दोनों शेड्स मिक्स हो रहे हैं, और यहाँ पर मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से वेट ऑन वेट इफ़ेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस वेट ऑन वेट इफ़ेक्ट के ऊपर हम अगर कोटेशंस लिखते हैं कार्ड प्रिपेयर जब हम करते हैं, और या हम पोस्टर मेकिंग करते हैं, तो जब हम इस वेट ऑन वेट इफ़ेक्ट के ऊपर किसी तरह के कोटेशंस लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। पेंटिंग के अंदर भी हम वेट ऑन वेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैं आराम से वेट ऑन वेट लगा के इफ़ेक्ट लगा के यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लिया है और साथ में ले लिया है येलो, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ अपना। तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट बॉटल में से यूज़ किया जा सकता है अगर हमारा सरफेस बड़ा है तो, अगर हमारा सरफेस लार्ज है तो।
ठीक है, जब भी हमको डिटेल्स करना होता है हमारी पेंटिंग में, तब हम क्या करेंगे तो उन वो समझ लेते हैं एक बार। जब भी हमको डिटेल्स पे काम करना है तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो लेयर्स हैं वो ड्राई होनी चाहिए। पोस्टर कलर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि करते करते ही कुछ ही समय में पोस्टर कलर्स की लेयर्स ड्राई होने लगती हैं और वो हमको आज़ादी देती हैं, वो हमको फ्रीडम देती हैं कि हम उस पर दूसरी लेयर अप्लाई कर लें। तो इस तरह से हम आराम से कम समय के अंदर दूसरी लेयर को अप्लाई कर सकते हैं, या तीसरी लेयर को अप्लाई कर सकते हैं, या चौथी लेयर को भी अप्लाई कर सकते हैं जब हम किसी तरह की कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं। तो हरदम जब भी आपको डिटेलिंग ऐड करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको हमारी लेयर्स को ड्राई होने के लिए छोड़ना है। अगर आप ड्राई होने के लिए अपनी लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जो लेयर्स हैं जो वो मिक्स हो जाएंगी, जो बेस लेयर है उसके अंदर। एक और चीज़ का और ध्यान रखें जब पोस्टर कलर करें, तो जो बेस लेयर आपकी जो होती है, वो जो है बेस लेयर, उसके ऊपर जब आप दूसरी लेयर का पेंट लगा रहे हैं तो आप अपने ब्रश के प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। अगर आप अपने ब्रश को सॉफ्टली चलाएंगे तो आप नीचे की लेयर्स को ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने ब्रश को बहुत एकदम रफली चलाएंगे तो आप नीचे की लेयर्स को ब्रेक कर देंगे। और नीचे की लेयर्स ब्रेक अगर हो जाती हैं पोस्टर कलर में तो आपको अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये कई चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं पोस्टर कलर पेंटिंग बनाने के दौरान। तो या तो देखिए, जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं चीज़ें, वैसे वैसे हमको चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझेंगे, वैसे जैसे और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आती चली जाएगी। तो ये चीज़ है। जब भी हम डिटेलिंग करते हैं तो लाइनिंग प्रैक्टिस जब एक अलग से करनी बहुत ज़रूरी होती है, मैं शुरू से बोलती आई हूँ, तो लाइनिंग प्रैक्टिस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। वो तो देखिए किसी भी पेंटिंग में काम आती है जब हम करते हैं। तो इसके साथ साथ जब भी हम लाइनिंग के ऊपर वर्क करते हैं तो देखिए, सॉफ्ट एजेस के लिए हमको हमारी लाइनिंग को ब्लेंड करना होता है, और अगर आपको अपनी हार्ड एजेस छोड़नी है तो आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोस्टर कलर के अंदर ब्लेंडिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगी जिसमें आप समझ पाएंगे कि पोस्टर कलर में हम ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसमें और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया है वो चीज़, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो हैं अगर आप पोस्टर कलर करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं वाइट कलर की अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे वाइट जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो हल्का सा वाइट ड्राई होने के बाद हल्का सा डल होगा, आप देखिए, है ना, और उसका इफ़ेक्ट हल्का पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हल्का सा उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा के रखी। जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था ब्लू कलर करना, जब वॉशेस लगाए थे हमने, तो उसमें आपने समझा होगा कि जो सेकंड और थर्ड जो मैंने लगाया था वॉश, उसमें मैंने वाटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा लगाई थी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई करी है। यहाँ पर जो मैंने वाइट लगाया है डिटेलिंग के लिए, उसमें मैंने कंसिस्टेंसी वाइट की ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं चाहिए था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम लाइट लेयर्स लगाते हैं। तो अगर हमको बहुत अच्छी हाईलाइट चाहिए तो आप अपने पेंट्स की कंसिस्टेंसी थिक रखिए, और आपको अगर कम हाईलाइट्स चाहिए तो आप उसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बर्ड क्रिएट हो गई है। इस वाले जो पेंटिंग है इसका ट्यूटोरियल मैं अवेलेबल कराऊंगी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा। अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो डेफ़िनेटली चैनल को विज़िट करके ज़रूर जाइएगा। बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करके रखा है। पोस्टर कलर इन हिंदी करके सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस पर जाकर आप काफ़ी सारे पोस्टर कलर से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। उसके अलावा अगर ऑयल पेंटिंग करना पसंद करते हैं, एक्रैलिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं, वाटर कलर करना पसंद करते हैं, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैंने चैनल के ऊपर अवेलेबल करा रखे हैं। उसके अलावा आर्ट नॉलेज भी शेयर करती रहती हूँ मैं इस चैनल पर, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो वाकई ही यूजफुल रहा है आपके लिए तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें पोस्टर कलर करना पसंद है या जिन्हें पोस्टर कलर करने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उनके साथ शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।